हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज है 17 अक्टूबर एंड आज है फ्रेशर्स डे। मतलब हम फ्रेशर्स देंगे हमारे जूनियर्स को, मतलब न्यू बैच को, यूजी फर्स्ट सेम और यूजी पीजी फर्स्ट सेम और यूजी फर्स्ट सेम, हम और हमारे सीनियर्स मिलके। एंड फिलहाल हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब सजावट। तो दीज आर द पीपल जो काम कर रहे हैं यहाँ पर डेकोरेशन की, एंड देयर इज अंकित गोगोईदा। तो हमने कर्टेंस लगा दी और कर्टेंस के ऊपर लाइट्स। I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind, you got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new, you're more than a... यहाँ पर है हमारा म्यूजिक सिस्टम, ये रहा माइक। हेलो हेलो, ऑफ है अभी। Sunshine in my eyes, you got those. हमने चेयर को इस तरह सजा दिया, बीच में से गैप है। ये रहा फ्रेशमैन सोशल, यहाँ पर लिखा है होस्ट का प्रोग्राम सीक्वेंस। एंड ये श्रेया का है, श्रेया एंड नीरज द होस्ट है आज। तो धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, ये रहे पीजी फर्स्ट सेम के बैच। तो इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर कुछ टास्क लिखा गया है जो न्यू बैच को करने के लिए देंगे। यहाँ पर एक टास्क है, प्रपोज ए सीनियर एंड मेक हिम से यस। तो ये रहे यूजी फर्स्ट सेम के बैच जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। तो मैं और अतनु जा रहे हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ से लाना है रोज, क्योंकि जो प्रपोज करेंगे रोज लेके ही तो करेंगे ना। हमें रोज नहीं मिला लेकिन ये दो फूल मिल गए, इससे प्रपोज करेंगे न्यू बैच। ओके संदीप आ गए, बेचारी आज सुबह से रो रही थी क्योंकि बेचारी का चप्पल टूट गया था। सो इट्स फाइनली गोइंग टू स्टार्ट। अरे कतले पे श्रेया एंड नीरज दा वहां पर है। होस्ट दे आर द होस्ट। तो मैं और जोयदा फिर से डिपार्टमेंट आ गए क्योंकि हमको एक ऐसे बॉल चाहिए, और जो टास्क के लिए जो कागज का टुकड़ा था वो बोर्ड पर रखने के लिए, ताकि ऐसे रेंडमली पिक कर पाए। नाउ लेट्स फाइंड इट, लेट्स फाइंड इट इन द किचन। ये होगा क्या? इसको लेके जाते पागल ऐसे उठाएगा बहुत गंदा लगेगा। हमें एक अच्छा सा बाउल नहीं मिला तो हमने नहीं ली, खाली हाथ जा रहे हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, यही दुनिया की रीत है, जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स बार्बी ऑन द स्टेज एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू डू इट प्रोसीजर, क्योंकि मैं लेट पहुँचा डिपार्टमेंट गया था ना। ओके तो दे आर गोइंग टू डांस, इट्स टाइम फॉर ए डांस परफॉर्मेंस। यूजी थर्ड सेमिस्टर यानी गर्ल्स ऑफ आवर क्लास। तो स्टेज पर है संचारी, परिणीता, श्रेया और प्रियांशी। तो फिर से इंट्रोडक्शन सेशन शुरू होगा। That's me on the stage. और ये मेरा लाइफ का पहला डांस परफॉर्मेंस है। मैंने इससे पहले नाचा लेकिन डाउन द स्टेज, स्टेज पर कभी नहीं नाचा मैंने। एंड हाँ, मैं स्टेप्स भूल गया था क्योंकि मैं बहुत ही नर्वस था। हमने टोटल 4 गानों पे नाचा, बट फर्स्ट सॉन्ग पर स्वागता मैं और दीपशिखा ने परफॉर्म किया, और सॉन्ग था द डिस्को सॉन्ग। ओके तो ये रहा हमारा दूसरा डांस, और ये एक रोम कॉम डांस है। इस गाने पे मैंने दीपशिखा, संदीपा और नयन ने परफॉर्म किया, और इस सॉन्ग का नाम है मिल्कोते बफेलो पोस्ट फ्रॉम द वेरी फेमस एसएमएस मूवी कौसुगुटी। एंड इस सॉन्ग को गाया था बुलबुल हुसैन सर ने। तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर डांस जहाँ पर दीपशिखा, मैं, स्वागता और संदीपा ने परफॉर्म किया, और इस गाने का नाम है नचेंगे सरी सरी रात टांग उठा के, द वेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हाउसफुल 3। एंड बाय द वे सबसे ज़्यादा स्टेप्स मैंने इसी गाने पे फूला था। एंड ये रहा वो आखिरी सॉन्ग जो सबसे ज़्यादा जोशीला था, मिक्स एम नॉस फॉर द देसी बॉयज। और इस गाने पे मैं, नयन, दीपशिखा और स्वागता ने परफॉर्म किया। एंड इस गाने पे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ डांस किया, मतलब हमारे साथ स्टेज पे नहीं, उन्होंने डाउन द स्टेज डांस किया।
बाय द वे डांस करके बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था तो मुझे यस अच्छा लगा बहुत। नाउ इट्स टाइम फॉर यूजी फर्स्ट टाइम टू डांस। बीच बीच में इंट्रोडक्शन एंड बीच बीच में डांस गाना ये सब हो रहा है। ओके ही इज फ्रॉम पीजी फर्स्ट सेम एंड भैया को एक गाने पे नचने के लिए दिया गया एंड इस गाने के साथ मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि सेम गाने पे मुझे भी पिछली बार नचने के लिए दिया गया था जब हमारा फ्रेशर्स था, हमारा बैच का जब फ्रेशर्स था। क्या नचा था यार मैंने, क्या बेइज्जती हुआ था, आज भी याद है वो दिन मुझे। अभी कुछ पड़िया यहाँ पर पधारे हैं और इन पड़ियों को लाने वाले लड़का वहाँ पर है। तीन तीन लड़कियों को लाए आपने, कैसा लग रहा है? देखो ये आप लोग के लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए नहीं। आप अगर हमारे इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो करें नीलिम भी तो आप देखेंगे 3 इज जस्ट अ स्मॉल नंबर, जस्ट लाइक अ नेगेटिव नंबर फॉर मी। ओके एनीथिंग एल्स फॉलो नीलिम भी प्रमोशन बाय बाय। मैं उसकी फर्स्ट वाइफ हूं। यस अगेन ये थर्ड मैं उसको ढूंढ के देने वाली हूं। फॉलो नीलिम ओए और बिसाइड साइड यू नो नो यस आई वांट काइंड ऑफ कूल एंड काइंड ऑफ नॉट वांट टू गिव मायसेल्फ टू यू यू ड्राइविंग डाउन द फ्रीवे एट नाइट आई ओनली गॉट वन थिंग। टाइम हुआ है 3:20 एंड अब लंच करने के बारी है। तो गाइस हम बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, तो ये रहा लंच। तो खाना पीना हो चुका, अभी ऐसे ही हम बाहर है सब लोग, थोड़ी देर बाद अंदर जाएंगे एंड फिर से प्रोग्राम शुरू होगा। यू आर लुकिंग रियली नाइस टुडे, कुछ बोलना चाहोगी? इस खूबसूरती की राज क्या है? डिप्रेशन से खूबसूरती। वाह तो फिलहाल मैं अपना डांस देख रहा हूँ मोबाइल पे। तो अंदर प्रोग्राम शुरू हो गया, राइट नाउ आई एम गोइंग इनसाइड। तो अब स्टेज पर है श्रुति और मुस्कान और चेयर पर बैठा है नीरज दा। तो श्रुति और मुस्कान का टास्क यही है कि उन दोनों को नीरज दा को सीड्यूस करना है। इंटरेस्टिंग राइट? ओके तो सीड्यूस का टास्क खत्म हो गया और अब स्टेज पर है बारबी, अंकित, अंकिता और आकांक्षा एंड तीनों लड़कियों को एक ही लड़का पसंद है अंकित एंड तीनों का टास्क यही है कि तीनों को लड़ना है एंड अंकित को अपने ज़िंदगी में हासिल करना है। ये भी एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टास्क है और इस टास्क को दिया हड़पल दा ने। ভক্তি কিন্তু মোর আছে এটাই কথা কছি তোমাক দাদাগিরি করি কথা নকবা দে ধুই যাবা এতে মই তি ইউজ করব বাৰু সিঙি দিম মুন্ডা তো ইউজি কা মিস ফ্রেশার্স মিলা আকাঙ্ক্ষা কো অর মিস্টার ফ্রেশার্স নয়ন কো और पीजी का मिस्टर और मिस फ्रेशर्स मिला भैया और दीदी को, बट आई एम सॉरी उनका नाम मुझे अभी याद नहीं। हाँ धीरे धीरे याद रह जाएगा जब अच्छी तरह से खुल मिल जाऊंगा। सो फाइनली द डीजे इज हियर। तो चारों को हटाया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर नाचेंगे। कांग्रेचुलेशन मिस्टर फ्रेशर, सीनियर की आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। कांग्रेचुलेशन। तो फाइनली डीजे स्टार्ट हो गया, अब नाचूंगा। हे नाचो 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 नाचो। तो
अंदर बहुत ही गर्मी है एंड लाइक ए सी भी काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है मतलब फिर भी बहुत ही गर्मी है। तो हम लोग बाहर आ गए थोड़ी देर के लिए एंड लाइक प्यास भी लगा है किसी के पास, पानी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद अंदर जाऊँगा एंड लाइक सब लोग नाच रहे हैं अंदर, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत थक गया हूँ। ओके, दिस इज़ तुषार दा एंड तुषार दा सबका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बस तुषार दा का वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था। आई नो द पेन एक्चुअली, इसलिए मैंने तुषार दा का थोड़ा मोमेंट अपने मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड कर ली। तो सुबह जो मैंने दो फूल लाया था वो बिल्कुल ही यूज़लेस रहा, किसी ने यूज़ किया ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही वो दो फूल नयन को दे दी ऐसे ही मजाक मजाक में। सब लोग बहुत थक गए हैं, मैं भी पूरा पसीने से पी गया हूँ, तो अभी शायद हम ग्रुप फोटो खींचेंगे एंड उसके बाद इट्स ओवर। ग्रुप फोटो टाइम नहीं तो शायद ग्रुप फोटो नहीं खींचेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, सबको घर जाना है और ये रूम भी छोड़ना है क्योंकि हम 5 बजे तक लिए थे। ये वीडियो मैं करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।